सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। पट्टम्बर परिधान कलमञ्जीर रञ्जने
అమేయ విక్రమ క్రూర సుందరే సుర సుందరే వర దుర్గా చ మాతంగే మతంగ మణిభూషిత రామే మహేశ్వరి చంద్రే కౌమారి వైష్ణవే సర చాముండా దేవ వారాహి లక్ష్మీ చ పురుషాగ్రజే విమలాశ్వరిణి జ్ఞాన క్రియా నిత్య చ బుద్ధిద బహుళ బహుళ ప్రేమ సర్వ వాహన వాహన నిజం మజం వహరణి మహిళాసురవర్ధనే మధు కైటవ అంద్రేజ చండమండ వినాశనే సర్వాసుర వినాశాచ సర్వదానవ ఘాతినే సర్వశాస్త్రమయ సత్య సర్వశ్రధారిణి కదా అనేక శస్త్రాచ అనేకాశ్రస్య ధారిణి కుమారీ జైక కన్యాచ కైశోరే యువతే అప్రౌఢా జైవ ప్రౌఢా చ వృద్ధ మాతా ప్రద మహాధరే ముక్త కేశే ఘర రూప మహాబల అగ్నిజ్వాలరుద్రముఖే కాల రాత్రి తపస్విని నారాయణే భద్రకాలే విష్ణు మాయా జలోధరే శివదూతే కరాలే చ అనంతా పరమేశ్వరే కాత్యాయణే చ సావిత్రే ప్రత్యక్ష బ్రహ్మవాదినే యాయిదం ప్రవదే నిత్య దుర్గా నామ సదాశివం నాసాధ్యం విద్యతే దేవి త్రిశోలోకేషు పార్వతి గుణంధ్వానం చతంఛాయ అయమస్తిరమేవ చ చతుర్భర్గం సదాచాంద్రే లభేత ముక్తిం చ శాశ్వతే కుమారే పూజయత్వా తు ధ్యాత్వా దేవీం సురేశ్వరీ పూజయత్వరయా భక్త పఠే నామ సదాశివం తస్య సిద్ధిర్భవే దేవీ సర్వేశ్వరవరైరమే రాజానోదాసాజ్యాంతిరాజోరోచనాలక్షణ సింధూర కర్మోర మధుత్రయన విదీర్ఘయంద్రో విదినా విదీర్ఘో భవే సదాధార్యతే పురారే భౌమాశ్యాగ్రే చంద్రే శతవిషాంగరే వినిఖ్య ప్రవణే స్తోత్రం సభవే సంవదా प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां विभूति के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां विभूति की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब माँ विभूति की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ विभूति की स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो ये भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ विभूति का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी है सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से
उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस मजगजन ने मजगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माया के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः कनिष्कः छन्दः च मण्डा देवता आङ्गन्यासक्तमातरो बीजम् जगबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन यपे विनियोगः। ॐ नमः सन्निकायै मार्कण्डेयवाच ॐ यद्वयं परमलोके सर्वरक्षाकरणिनम् यज्ञकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामहः ब्रह्मवाच अस्य गोयतमभ्यप्र सर्वभूतोपकारकम् दिव्याशोकवचं पुण्यदशमश्वमहामुने दशमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे द्वितीयं चन्द्रखण्डे कौष्माण्डे चतुर्थकम् पञ्चमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायने च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चतुर्थम् ब्रह्मदेवमहात्मनाथयमानसोऽध्यगतारणे विषमे दुर्गमे चैव मयान्ताशरणं गतः नाथेषां जायते किञ्चिदशुभवरुणसङ्कटे नापदं दश पश्यामि शोकदुःखमयं नहि ेषुभक्तासुदारोणं देशावृत्तिप्रजायते श्वेतरूपधरा देवेश्वरे वृषभान ब्राह्मी हंसतमारूढ सर्वाभरणभूषिता यत्येतमातरः सर्वः सर्वजगतमन्विता नानाभरणशोभाजा नानारत्नोपशोभिता दिव्यन्दरतमारूढ दिव्यः क्रोधसमाकुला शङ्करचक्रङ्गदां शक्यमलं सर्वशलायन कैटकन्दफलं चैव परिजं वाशमेव च वृन्दायुधं रजोलं च जालकमायुधमुत्तम देत्यानां देहनाशाय वक्त्राणामभयाय च धारयन्त्रायुधानीतं देवानां वैताय वै नमस्यन्द्रो महाराज महाकालपराक्रमे महाबले महासाहे महाभयविनाशने त्राहि मां देविलक्ष्य शत्रुणाभयवर्धने राज्या रक्षतमावेन्द्रे आदेयामग्नि देवता दक्षिणेवतमालाहि नैरत्यां गणगधारिणे पुनेजा वारुणे रक्ष वायभ्यामेघवाहिने पुनेजा पादुकामारे ऐशान्यां शूलधारिणे ओर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष अधस्ताद्वैष्णवे तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डाशो वाहन जया मे जागृतः पातु विजया पातु प्रेषितः मयिता भाव पार्श्वतो दक्षिणे च पराजिता
मानन दिल वैराग्य से जो वृद्धि करम बल जलदा वर्धते सभे के निमंडित भोजन जमे शक्ति अलिंगंडे वृद्धा दो गवजम बल यावत् भूमण्डलम् दत्ते शशैलवनकानन तावदीश्वरि मे निज्ञा सन्तति पुत्रपत्रिणे देहान्ते परमहंसाणम् यत्सुरैरभिदुर्लभम् प्रापुरोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादितः लभते परमरूपम् शिवेन सह मोदते अर्घलास्तोत्र अद्य श्रीअर्घलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुविषये अनुगमशन्तः श्रीमहालक्ष्मीदेवता श्रीजगदम्बादीतये शक्तिशलीबाधकत्वेन यमे विनियोगः ण्डिकायै मालकण्डेवाच ॐ जयन्ति मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालने दुर्गाख्यमाशिवादाते स्वाहा सदा नमासुदे जया त्वं देवि चामण्डे जय भूतादिहारिणे जया सर्वगते देवि कालरात्रि नमासुदे मधुकैटव मित्रावे विधात्रि वरदे नमः रूपं देहि देहि जशो देहि जशो देहि वैजासुरनिर्णाति भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि देहि जशो देहि जशो देहि रक्तबीजावदे देवि कण्ठमुण्डविनाशने रूपं देहि देहि जशो देहि जशो देहि शुम्भस्यैवनि शुम्भस्य धूम्राक्षसमर्दने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि वन्दिताग्रेयुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि अजित्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि नरेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि सुमध्या भक्तिपूर्वकं चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि चण्डिके सव्यता भक्षयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि देहि सौभाग्यमालोक्यं देहि मे परमालोकम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि विदेहि दुष्टाम्नाशं विदेहि बलवत्यकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाशयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि सुरासुरधिरोरत्नानिकृष्टजननेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि विद्यावन्तं चतद्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि प्रचण्डदैत्यदर्भग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि चतुर्भुजे चतुर्भक्त संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि कृष्णेन संसुते देवि शश्वद्भक्त सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि हिमाचलसुतानाथ संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि इन्द्राणिपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि देवी प्रचण्डदोर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि देवी भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि पदने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुकालने धारिणीं दुर्गसन्धार सकलश्च कुलाभवाम्
इदं सत्यं प्रणिष्ठातुम् असत्यं वने नरः साधु सप्तयति सङ्ख्या परमाप्नोति सम्पदा। अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषेः अनुशमछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बाविचरः सप्तदेवाधङ्गत्वेन यपे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डेयवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिव्यचक्षुरे देहप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमासदारिणे सर्ववेदनिहारेयमन्दनवमिकेलकौ सोमिक्षेममवाप्नोति तदव्याप्यदत्परः सत्यन्तजानेन वस्तो निशकलानवे एतेन सुदेवी सौतमात्रेण सिद्ध्यते न मन्त्रणौषधं दत्त्वा न किञ्चिलविद्यते विराजापेन सिद्ध्यते सर्वमुच्चादनादिकम् समग्राणविसिद्ध्यन्ति लोकजङ्गामिमावरः कृत्वा निमन्त्रयामासं सर्वमेवमिदं शुभ चौत्रवेषण्यकायासौ तस्य गन्तं जगारसः समासेन च पुण्यस्य सर्वधावन्नियन्त्रण स्वामिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायामचतुर्दश्यमष्टव्यवासमाहितः ददाति प्रतिगण्डाति नन्दतेजा प्रसीदते यत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाभिधायेण नित्यौ जगति सगुणौ स नित्यः स गणः सोऽपि गन्धर्वौ जायते नरः न देव कर्तस्य वयम् कापि जायते नामवृत्यमजाति मृतो मोक्षमवाभ्य ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति सर्वगात्रैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते मुदे सौभाग्यादयाचर्य दृश्यते नरनायने तत्सर्वम् तत्प्रसादेन तेन यव्यमिदम् शुभम् षडेषु यव्यमानेषु सौते सम्पत्त्युच्चकैः भवत्येव समग्रामे ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहाणिः परावक्षः श्रूयते सारकिन्द्रे। श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र नन्दिनि नन्दितमेधिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुति गिरिवरविन्दलिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति Thank you.
Thank you.
पेज नंबर 30 माँ से क्षमा प्रार्थना है। अक्षमा प्रार्थना अपराध सहसाने क्रियन्ते हरण समय दासायन दिनामस्त क्षमस्व परमेश्वरी आवाहन न जानामि शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सही भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। में बड़ी ही अद्भुत शक्ति होती है।
वास्तव में जो ही भक्तजन सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से कहीं भी इस माँ जगजननी का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती के नाम का जप करते हैं, माँ की साधना करते हैं, माँ के चरणों में नतमस्त होते हैं, माँ से करवत प्रार्थना करते हैं, इस माँ जगजननी जगत माता की उन शरणार्थ भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है और माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्त जनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। उन भक्तों की सब मनोलक्षित कामना पूर्ण होती है, वह जो भी चिंतन करते हैं माँ की कृपा से उन भक्तों के सब कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं, वह जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आती, कहीं वे असफल नहीं होते, सर्वत्र वे सफल होते हैं जिन पर इस माँ की कृपा हो जाती है। और माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्तजन जो हैं इस जगजन्य जगत माता के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, माँ के नाम का जप करते हैं कि माँ हमसे किसी प्रकार से भी कोई जीवन में जानने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो तो माँ हमें क्षमा करें और आगे के लिए ऐसी कृपा करें, ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दें, हम भक्त का मार्गदर्शन करें ताकि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मन कुल कर्म करते हुए आपके चरणों की भक्ति करते हुए कल्याण को प्राप्त हो सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसे हम पर कृपा कीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। देवी जनो धाम दत्ता नंदन दम्बिके रूपम देहे जयम देहे यशो देहि दिशो यहि। हे देवी माँ अम्बिके, आप अपने भक्तों को असीम आनंद प्रदान करती रहती हो, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं का नाश करो। ये भगवती जो है सतचित आनंद रूप है, इसका स्वरूप जो है ये सचिदानंद जो है सचित आनंद रूप जो है, और हमेशा जो भक्तजन भगवती की शरणागत होकर के माँ की साधना करते हैं माँ की कृपा से उनके जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। और वह भक्त जो है सर्वदा सत्य के मार्ग पर चलते हुए धर्म कर्म करते हैं, कभी वह इस तरह से असत्य के मार्ग पर नहीं चलते, धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमेशा जो है वह सत्य का मार्ग ही अपनाते हैं और सत्य में ही सब ओर से इस जीव का कल्याण है। जो किसी संकट में जो है अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते हैं और वह चलते रहते हैं, देव कृपा होती है, अद्भुत चमत्कार हो जाते हैं उनके जीवन में, चाहे भले कितने कष्ट क्यों ना आ जाए, क्योंकि भक्ति भी इतनी आसान नहीं होती। आप कहें कि भक्ति में बड़ा सुख है, भक्ति आसान नहीं होती कि उसमें बड़े दुख आते हैं, बड़े कष्ट आते हैं, बड़ी विपत्तियां आ जाती हैं, और जो उन दुखों का विपत्तियों का सामना करते हैं वही अपने जीवन सफल होते हैं, वही जो भगवती जगजननी जगत माता का साक्षात्कार कर लेते हैं। इसलिए कई भी जीवन में कैसा भी कष्ट आ जाए, कैसी विपत्ति आ जाए तो कभी जो है भयभीत न होइए, मां भगवती का स्मरण कीजिए, परम पिता परमात्मा का ध्यान कीजिए और चलते चलिए आगे क्या होता है। इस संदर्भ में आपको दृष्टांत दे रहा हूं, राजा रंती देव हुए हैं। राजा रंती देव जो बड़े ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं और प्रजापालक राजा हुए हैं, ये स्वयं कष्ट में रह लेते थे परंतु प्रजा का कष्ट देख नहीं पाते थे। ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, ऐसे धर्मशील राजा, और इनके राज्य में जो है कहते हैं ऐसी परिस्थिति होगी राजा के जीवन में खाने के लिए अन्न नहीं, पीने के लिए जल नहीं, ऐसी परिस्थिति आ गई कहते हैं कि 48 दिन बीत गए कुछ खाए पिए। ऐसा नहीं था कि राजा को किसी दूसरे राजा ने पराजित कर दिया था, जब प्रजा विमुख हो गई थी ऐसा कुछ नहीं था, उसके राज्य में अकाल पड़ गया, बहुत समय तक बारिश नहीं हुई, अब प्रजा जो भूखे मरने लगी, तो कहते हैं कि उस समय
राजा के पास जो भी धन के भंडार थे, अन्न के भंडार थे, जो धन संपत्ति थे, सब प्रजा में बांट दी। प्रजा भूखी रहे और राजा जो है अनंत पूर्व रहे तो जी उससे सहन नहीं हो पाया। प्रजा के सुख के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए उसने सब अन्न के भंडार, धन के भंडार जो है सब प्रजा में बांट दिए। जब सब समाप्त हो गया, अब केवल मात्र जो महल की दीवारें ही थी, खाने के लिए कुछ था नहीं। सरोवर जो थे सूख गए, कुप जो है सूख गए, कहीं जल नहीं है। अब उसने भी अपने राज्य का त्याग कर दिया। राजा, रानी और राजकुमार, एक बालक था उनका छोटा सा, उस छोटे से बालक को लेकर वे चल पड़े। चलते चलते 48 दिन बीत गए, परंतु कहीं कोई अन्न का दाना नहीं मिला, कहीं जल नहीं मिला। 49वें दिन जो है किसी ने, कुछ पता नहीं जहां बैठे हुए थे वहां किसी ने जो है भोजन आकर के जल और भोजन जो है वहां पर रख दिया। जल और भोजन को देख करके राजा जो है ऐसे हुआ कि अब जीवन जब प्राण बच गए हैं। अब जो है जैसे ही अब भोजन ग्रहण करने के लिए वह भोजन के पास गए, इतने में सामने से एक ब्राह्मण आ गया। बहुत भूखा हूं, बहुत भूख लगी है। राजा बड़े प्रसन्न हुए हैं कि इस वन में, इस जंगल में भी अतिथि मिला है, क्योंकि कहते हैं कि जो पहले दूसरों को खिला करके, क्योंकि जब भी भोजन करना हो पहले दूसरों को खिला करके फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए, अतिथि सेवा। तो वन में भी जो अतिथि सेवा मिल गई, भगवान की कृपा हुई, तो भगवान का धन्यवाद करते हैं, भगवान आप किस रूम में आए हैं, इस वन में जो है मेरा अतिथि सत्कार जो है आपने स्वीकार किया है। तो उन्होंने बड़े आदर पूर्वक बिठाया, भोजन करवाया, ब्राह्मण संतुष्ट हुआ, चला गया। फिर भोजन करने के लिए आगे बढ़े तो इतने में जो है फिर एक शूद्र आ गया। बड़ी भूख लगी है तो उसने कहा ये बैठिए, तो उसे भी भोजन करवाया। वो चला गया, इतने में एक अंतज जो है वह आ पहुंचा। वह अकेला नहीं, दो तीन कुत्ते भी उसके साथ थे। कहता बहुत भूखा हूं और जब मेरे कुत्ते भी बड़े भूखे हैं, बहुत भूख लगी है, कई दिनों से अन्न जल की प्राप्ति हुई नहीं, महाराज मुझे भोजन करवाइए। तब जो है उसको भी भोजन करवाया। फिर जो है भोजन करने के लिए अब जो है कुछ बचा नहीं था, केवल मात्र जल बचा। तो उसने कहा जे जल पी करके अपना गला जो है जे गीला कर सकूं। तो जैसे ही जल लेकर के जो है जलपान जो है वह करने लगा, तो इतने में एक चंडाल आ पहुंचा। चंडाल है दूर से ही वह पुकार रहा था, बहुत प्यासा हूं, कई दिनों से जल मिला नहीं, मुझे जल दीजिए। तब वह वहीं रुक गए, बोला भी नहीं जा रहा था, तो वह जल जो था वही उस चंडाल को जो है वह पिला दिया। उस समय जब चंडाल सामने आता है, तब जो है राजा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि राजा जो थे प्रत्येक जीव में भगवान के ही दर्शन करते थे। और उस समय जो है प्रार्थना करते हुए परमपिता परमात्मा से कहते हैं कि मैं कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं कोई रिद्धि सिद्धि नहीं चाहता, मैं कोई परमेश्वर की प्राप्ति करना नहीं चाहता, मैं कोई मोक्ष की प्राप्ति करना नहीं चाहता। महाराज, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हे जगजननी, स्वस्थ प्राणियों के हृदय में मेरा निवास हो जाए और सबके दुख जो है मैं भोगूं, सभी सुखी हो जाए, ऐसी उसकी भावना थी। राजा रंतिदेव जो बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं, जे भावना थी सभी सुखी हो जाए, सबके दुख जो है मैं भोग लूं, मेरा जो है निवास सबके अंतःकरण में हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। कहते हैं उस समय प्रार्थना करते हुए राजा ने भगवान से कहा जे जल जो है इस चंडाल को मैं पिला रहा हूं, यदि इस कर्म का कोई फल हो, जो प्रजा जो है
सुखी हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। दूसरे के सुख के लिए जो है राजन में जल भी उस चंडाल को पिला दिया। जैसे जल पिलाया कहते हैं वहां पर जे चारों के चारों कौन थे, ब्रह्मा विष्णु जो ब्रह्मा जो थे जो ब्राह्मण का रूप धारण कर करके आए, विष्णु भगवान शिव और साक्षात धर्मराज जो है वहां पर जो चंडाल के रूप में उस समय जल पीने के लिए वहां खड़े थे उपस्थित थे, तो चारों के चारे ब्रह्मा विष्णु महेश और धर्मराज वहां पर उपस्थित हो साक्षात जो है राजा जयंती देव को जो है इन देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए थे। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये राजा की परीक्षा थी, राजा परीक्षा में सफल हुए, सर्वत्र बारिश हुई और सर्वत्र खुशहाली हो गई। कहते इस प्रकार से भगवान का साक्षात कर किया और रंती देव सब प्रकार के सुखों से संपन्न हो गए और अंत में उन्होंने परमोक्ष की प्राप्त कर ली। इसलिए दुख में जो है कहीं घबराना नहीं चाहिए। हमारे जीवन जो भी कुछ भी हो रहा है ये सब हमारी इच्छा से नहीं है। हम संसार में आए हैं, जिस परिवार में आए हैं, जिस परिवार में जो है हम एक परिवार का जो हिस्सा बने हैं, संयोग होगा वहां पर माता पिता मिले, भाई बहन मिले, ये एक संयोग है जो हमारी इच्छा से संयोग नहीं हुए। जिससे परिश्रम परमपिता परमात्मा को भगवती की इच्छा है और जो जो कर्म जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वो हमने करना है। इसलिए कभी सुख आता है कभी दुख आता है, इसलिए ये सुख दुख जो आते जाते रहते हैं, कभी भयभीत मत हुई, धन संपत्ति आती जाती रहती है, परंतु शास्त्र में कहा है जब अनुकूल समय है वो धन संपत्ति का खूब सदुपयोग कीजिए। धन कब चला जाए क्योंकि लक्ष्मी चलाए माने हैं, ये हर समय कहेंगे एक के पास रहेगी ये नहीं रहती, ये बड़ी चंचला है। कोई धनवान व्यक्ति है और वह धनवान धनवान ही रहेगा ऐसी बात नहीं होती, कब कंगाल हो जाए इसका पता नहीं, जो माँ ही जानती है। ये कब जो है राजा को रंग बनाती है, रंग को राजा बना देती है। जीवन में चलते चलते आप देखें पीछे मुड़ करके हम क्या थे और आगे चलकर क्या हो गए तो इसका पता नहीं चलता। इसलिए ये करने कार जो है ये भगवती है। जो भक्तजन माँ भगवती के शरणागत होकर के जो है माँ से प्रार्थना करते हैं कि माँ आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से जो हमें प्राप्त है वह पर्याप्त है। यदि जीवन में सूत्र जो व्यक्ति जो समझ जाए अपने जीवन में इसको उतार ले, जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, हम इस लायक नहीं थे, हम इस योग्य नहीं थे, आपने इस लायक हमें बनाया, जो कुछ हमें प्राप्त हुए हैं आपकी कृपा से हुए हैं, जो प्राप्त है उसका हम सुख भोग सके, ऐसी कृपा हम पर हो जाए। क्योंकि व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी है, सब कुछ होते हुए भी दुखी है, दूसरे के पास क्या हो गए वो धन के पीछे पड़ा हुआ है, जो मुझे मिल जाए। तभी तो कहते हैं कि अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था भगवान कृष्ण से, मनुष्य जानता हुआ भी पाप क्यों करता है, बस जानता जो पाप है और ये भी जानता है कि मैं जहां पर रहने वाला नहीं हूं, इस मृत्यु लोक में आया हूं, मैं रहने वाला नहीं हूं। क्योंकि यदि आप विचार करें मनन करें कि हम यहाँ पर कैसे आए, किस लिए आए, क्यों आए, हमें करना क्या है और कब तक यहाँ पर रहना है, मृत्यु सिर पर बैठी हुई है। इसलिए वह व्यक्ति जो ऐसा विचार करता है वह कभी पाप नहीं करता, उससे पाप नहीं होते। क्योंकि वह जानता है कि जिस सबको धन संपत्ति कितने चाहे पाप करके मैं इकट्ठी करूंगा कि इस समय सुख मिल जाएगा, जब परिवार के लिए देखिए परिवार के भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको ही प्राप्त होना है, आप भले कितना इकट्ठा कर लो। इसलिए यदि उसका सदुपयोग करते हैं अपना जीवन रहते हुए, इसलिए कह के जीवन रहते रहे जो है भक्ति कर करके अपना कल्याण कर लीजिए, जो परमात्मा की कृपा होती है 84 लाख जोनि भोगने के उपरांत जो है जीव जो है इस मनुष्य जोनि को प्राप्त होता है। जो बड़ी दुर्लभ देह है, दुर्लभ मानसो देहो तत्रैव क्षण भंगुर है, जी मनुष्य देह बड़े दुर्लभ है और फिर जो क्षण भंगुर है कब समाप्त हो जाए इसका पता ही नहीं। भगवान कृपा करते हैं जीव कभी सांप बनता है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कई योनि है आप सभी देख रहे हैं। और जो जीव जो दुखी होता है तब भगवान कृपा करते हैं तो मनुष्य देह देते हैं,
मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा साधना कर करके जो व्यक्ति जो जीव जो है अपना कल्याण कर सकता है। किसी पशु पक्षी को जब कहिए आप बैठ करके सत्संग सुनो, आप तीर्थ यात्रा करो, माँ भगवत का स्मरण करो, बैठ नहीं कर सकते क्योंकि भोग जोड़नी है, कर्म जोड़नी जो है जो मनुष्य जोड़नी है, इसी में व्यक्ति कर्म कर करके अपना कल्याण कर सकता है। इसलिए कर्म जो है अच्छे कर्म उन्हीं से जो है मनुष्य का कल्याण होता है। कल एक बात हो रही थी, बहुत बड़े एक वृष्ठ व्यक्ति थे जबर माँ के दर्शन के यहाँ पर आए थे और उनके छोटे भाई जहाँ पर जब साइन बोर्ड बना था तब प्रथम SDO जहाँ पर रहे थे तो रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो कल भेंट हुई उनसे मिलने की, तो यही चर्चा हो रही थी सत्संग की, तो मुझे बुलाया गया। तो जी रोग जो होते हैं ये कैसे आते हैं, बड़े बड़े भयंकर रोग आ जाते हैं। तो जहाँ पर यही बात हुई कि मनुष्य के ही कर्म होते हैं, मनुष्य क्या करता है जब सत्कर्म करता है, दान करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, स्नान करता है, गंगा स्नान करता है, चार धाम की यात्रा करता है और आकर के सबको बतलाता है कि मैंने जे 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 सत्कर्म किए हैं, वहां पर दान किया, साधु संतों की सेवा की, इतने मैंने स्नान किए हैं और कुंभ स्नान किए हैं, चारों धाम की यात्रा कर ली है, वहां वैष्णो देवी के दर्शन करता हूँ, हर महीने जाता हूँ, हर सप्ताह जाता हूँ, सबको बतलाएगा वो। परंतु जो पाप कर्म करता है किसी को नहीं बतलाएगा, वह छिपाएगा। यही कारण होता है व्याधियों का जो है। तो जब पाप छिपाता है, पाप को उजागर करना चाहिए, जहां पर मेरी गलती हो गई है, जहां पर मेरा मुझसे पाप हो गया है उसका प्रायश्चित करना चाहिए, बताना चाहिए, उसका प्रायश्चित हो जाता है फिर रोग नहीं आते। जब हम जो पुण्य को उजागर करते हैं, पुण्य को छिपाना चाहिए, पुण्य को बताना नहीं चाहिए और पाप को उजागर करना चाहिए। परंतु मनुष्य इसके विपरीत करता है, विपरीत करता है, यही फल होते हैं। फिर जीवन कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, उसके सामने सब कुछ है, वो जानता है ये दुख किस कारण से आया है, मेरे स्वयं किए हुए ये कर्म मेरे सामने आ रहे हैं। हम दूसरों को दोष देते हैं परंतु दूसरों का कोई दोष नहीं होता, हमारे कर्म ही वह फल लेकर के सामने आते हैं। अच्छे कर्म है तो वह सुख लेकर के आएंगे, बुरे कर्म है तो दुख लेकर के आएंगे, कई प्रकार की व्याधियों को लेकर के आएंगे, इसलिए जीवन जो है कष्ट में आ जाएगा। तो कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो अपना कल्याण करना चाहता है, अपना वधे चाहता है, अपनी उन्नति चाहता है, अपने जीवन में खुशहाली चाहता है, अपने जीवन यात्रा सुख चाहता है, उन्हें प्रयत्न पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस जगजन जगत माता आदि शक्ति की उपासना अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि माँ की आराधना से जो है, जब माँ प्रसन्न होती है तो उन शरणागत भक्तों को सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, और जिन भक्तों को माया की कृपा से सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्राप्त होते हैं उनका कहीं कहीं अमंगल नहीं होता, क्योंकि उनकी बुद्धि ठीक निर्णय करती है, उनके विचार जो कभी बुरे विचार नहीं होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, अच्छी सोच होती है, मन जो है उनके जो है वह भी कभी विचलित नहीं होता है, वह भी सदमार्ग पर चलता हुआ धर्मानुकूल कर्म करता हुआ वह भी इस तरह से सब तरह से साधक जो है परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। जब माँ प्रसन्न होती है, माँ की कृपा होती है, तो जगजननी जगत माता जो आदि शक्ति इस गुहा के अंदर तीन दिव्य पिंडी गुरु विराजमान है, माता महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, ये तीनों माता जो है जिनके दरबार में इन तीनों माताओं के दर्शन के लिए, तीनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप आए हैं, ये तीनों माता प्रसन्नचित होकर के आप शरणागत भक्तों को वरदान दें, आपको आशीर्वाद दें, आपकी जो भी मनोवांछित कामना है वह माँ पूर्ण करें और अपने चरणों से इसी तरह से लगाए रखें, अपने चरणों की आपको भक्ति दें और इस तरह से माँ की भक्ति करते हुए आप परम कल्याण को प्राप्त हों। माँ भगवती सदा सर्वदा अंग संग जो है आपकी रक्षा करें और माँ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन करो श्री श्री जी से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन से योग देना से मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री श्री जी जय करा मेरी शरण में जुदा। बोल सच्चे दरबार की जय। तेरी मर्जी बिना कोई भी मां तेरे दर तक आ नहीं सकता,
मजनू तेरा बुलावाया जावे ओनू कोई रोक नहीं सकदा हो जगदम्बे मां दे दर्द मैं आया ना हुंदा जगदम्बे मां दे दर्द मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा हो जगदम्बे मां दे दर्द मैं आया जगदम्बे मां दे दर्द मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा जगदम्बे मां दे दर्द मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें आपने झोलियाँ भरे आपके मरादे पूरी करें आपका जीवन खुशियों से भरता रहे हो तेरा दर्शन पाके मैया जी सारे संकट मिट जांदे ने दर्शन पाके मैया जी सारे संकट मिट जांदे ने हो तेरा दर्शन पाके मैया जी सारे संकट मिट जांदे ने दर्शन पाके मैया जी सारे संकट मिट जांदे ने हो इक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जाने ने एक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जाने ने एक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जाने ने एक तेरा इशारा हो जाए मुरझाए मन खिल जाने ने हो इस रहमत दा मेरे उत्ते साया न हुंदा जे बुलावा मैया दा रहमत दा मेरे उत्ते साया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा हो जगदम्बे मां दे दर्द मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू आया ना हुंदा जगदम्बे मां दे दर्द मैं आया ना हुंदा कोई कमी नहीं लखा ही सवाली आंदे ने तेरे दर से कोई कमी नहीं लखा ही सवाली आंदे ने तेरे दर से कोई कमी नहीं लखा ही सवाली आंदे ने तेरे दर से कोई कमी नहीं लखा ही सवाली आंदे ने तू सब दे दिला नू जाने मां बिन मंगिया सब कुछ पाउंदे ने सब दे दिला दे जाने मां बिन मंगिया सब कुछ पाउंदे ने तू सब दे दिला नू जाने मां बिन मंगिया सब कुछ पाउंदे ने तू सब दे दिला नू जाने मां बिन मंगिया सब कुछ पाउंदे ने ओ अजब नजारा दर्शन दा पाया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा जीवन दर्शन का पाया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू पाया ना हुंदा हो जगदम्बे मां दे दर्द मैं आया ना हुंदा जे बुलावा मैया दा मैनू पाया ना हुंदा जगदम्बे मां दे दर्द मैं आया
ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਦਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦੀ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੇ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਮਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦੀ ਓ ਯਸ਼ ਮਈਆ ਦਾ ਸਭ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਮਈਆ ਜਗਦੰਬੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੁਲਾਵਾ ਮਈਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਗਦੰਬੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਕਾ ਟੋਕੀ ਲਗੀ ਹੈ ਕਤਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇ ਟੋਕੀ ਲਗੀ ਹੈ ਕਤਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇ ਬਾਬਾ ਟੋਕੀ ਲਗੀ ਹੈ ਕਤਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇ ਟੋਕੀ ਲਗੀ ਹੈ ਕਤਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇ ਬਾਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਆ ਗਈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਆ ਗਈ ਓ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਆ ਗਈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਆ ਗਈ ਓ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਆ ਗਈ ਮਾਂ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਗਈ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਆ ਗਈ ਮਾਂ ਦਰਸ ਓ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਆ ਗਈ ਮਾਂ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਗਈ ਜਵਾਲਾ ਦੇਵੀ ਆ ਗਈ ਮਾਂ ਦਰਸ ਦਿਖਾ ਗਈ ਜੋ ਤੋਤਾ ਹੁਆ ਚਮਤਕਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇ ਤੋਤਾ ਹੁਆ ਚਮਤਕਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇ ਬਾਹੋ ਰਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰੋਂ ਉਹ ਟੋਕੀ ਲਗੀ ਹੈ ਕਤਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇ ਟੋਕੀ ਲਗੀ ਹੈ ਕਤਾਰ ਮਈਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਦਿਰੋਂ ਮੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਆ ਗਈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਆ ਗਈ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਮਾਤਾ
मुरनी आ गई, खेल बैठा बार माधर चिंतपूर्णी आ गई, चिंतपूर्णी आ गई माधर सती खा 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 गई। भक्त भी करते पुकार मैया जी तेरे मंदिरों में, भक्त भी करते पुकार मैया जी तेरे मंदिरों में, माहो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। ओ शेर पे सवार माता मनसा देवी आ गई, सवार माता मनसा देवी आ गई, माँ शेर पे सवार माता मनसा देवी आ गई, सवार माता मनसा देवी आ गई, ओ मनसा देवी आ गई माधर सती खा गई, मनसा देवी आ गई माधर सती खा गई। भक्तों का होता उद्धार मैया जी तेरे मंदिरों में, मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। ओ शेर पे सवार माता नैना देवी आ गई, शेर पे सवार मैया नैना देवी आ गई, ओ शेर पे सवार माता नैना देवी आ गई, शेर पे सवार माता नैना देवी आ गई, ओ नैना देवी आ गई माधर सती खा गई, नैना देवी आ गई माधर सती खा गई। होते भगत माला माल मैया जी तेरे मंदिरों में, होते भगत माला माल मैया जी तेरे मंदिरों में, माहो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में, भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में, शेर पे सवार माता शेरों वाली आ गई, शेर पे सवार माता शेरों वाली आ गई, ओ शेर पे सवार माता शेरों वाली आ गई, शेर पे सवार माता शेरों वाली आ गई, ओ शेरों वाली आ गई माधर सती खा गई, शेरों वाली आ गई माधर सती खा गई, ओ शेरों वाली आ गई माधर सती खा गई, शेरों वाली आ गई माधर सती खा गई। भक्तों पे होता उपकार मैया जी तेरे मंदिरों में, भक्तों पे होता उपकार मैया जी तेरे मंदिरों में, माहो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। ओ शेर पे सवार माता महाकाली आ गई, शेर पे सवार माता महाकाली आ गई, ओ शेर पे सवार माता महाकाली आ गई, शेर पे सवार माता महाकाली आ गई, ओ महाकाली आ गई माधर सती खा गई, ओ महाकाली आ गई माधर सती खा गई। दुष्टों का करे वो सहार मैया जी तेरे मंदिरों में, दुष्टों का करे सहार मैया जी तेरे मंदिरों में, माहो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में। भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में, भक्तों की लगी है कतार मैया जी तेरे मंदिरों में, ओ शेर पे सवार माता जोतों वाली आ गई, शेर पे सवार माता जोतों वाली आ गई, ओ शेर पे सवार माता जोतों वाली आ गई, शेर पे सवार माता जोतों वाली आ गई, ओ जोतों वाली आ गई माधर सती खा गई, जोतों वाली आ गई माधर सती खा गई, ओ जोतों वाली आ गई माधर सती खा गई, जोतों वाली आ गई माधर सती खा गई। मिटता है सब अंधकार मैया जी तेरे मंदिरों में, मिटता है सब अंधकार मैया जी तेरे मंदिरों में, माहो रही
हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, हो रही जय जयकार मैया जी तेरे मंदिरों में, तेरे मंदिरों में मैया जी तेरे मंदिरों में, मैया जी तेरे मंदिरों में, मैया जी तेरे मंदिरों में, मंदिरों में जयकारा शेरों वाली जी का भोजन प्रस्तुत करेंगे श्री मनिंदर जी। जयकारा शेरावाली जी का बोल सच्ची दरबार की जय। नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, ओ नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, ओ नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, ओ जो जगा के शीश नवा के, जो जगा के शीश नवा के, जो जगा के जो जगा के शीश निभा के, जयकारे भजना भगतों अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, नच नच के जिन मानु मनाते, 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 मंगिया मुरादा मां को लुभावे, 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 पग बजाते ढोल मजीरे, पग बजाते ढोल मजीरे, बजाते ढोल मजीरे, भीषणकार भगतों अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, ओ नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, दाती है भाग्य विधाता, दाती है भाग्य विधाता, दाती है भाग्य विधाता, दाती है भाग्य विधाता, जग जननी जगदम्बा माता, जग जननी जगदम्बा माता, जग जननी जगदम्बा माता, जग जननी जगदम्बा माता, करती मुरादा पूरियां सगदी, कभी मुरादा पूरियां सगदी, कभी मुरादा कभी मुरादा पूरियां सगदी, भगता कुल संसार भगतों अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, मैया तेरा रूप निराला, मैया तेरा रूप निराला, मैया तेरा रूप निराला, मैया तेरा रूप निराला, दास तेरा है बड़ा मतवाला, 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 झूम झूम के बेटा गौदा, 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 बोल जय जयकार भगतों अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, नचना माई दे द्वार भगतों अज नचना, नचना माई दे द्वार
नचना माई दे द्वार पग तो अज नचना नचना माई दे द्वार पग तो अज नचना होली मैं 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 अज नचना सच्चे दरबार की जय आरोड़ा सदहं से भ्रंत जगण दक्षिण चात सत्र बाने हस्तभ्यां कणकमयं पुस्तकं जनगम्यं साधना भेदंत स्वकर्तृ जपे शास्त्र विज्ञान शब्द ंत रूपा कर कमलधर भारत सुप्रसन्न सचिया ज्योता वाली माता तेरे सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 उत्तरायण उत्तर गोल बसंत ऋतु चैत्र मास 21 प्रविष्ट ही कृष्ण पक्ष आज त्रयोदशी तिथि ही बुधवार तदनुसार 3 अप्रैल सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ विभूति की असीम अनुकंपा से माँ विभूति के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पर्व पवित्र वेला में माँ के चरण में बैठ करके माँ विभूति की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ विभूति की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संत भान भव शर्मान भव प्रज्ञाभान भव भूर्भूत करण धान तुणस्को भव तेजस्वी भव धैर्य गर्भदलन व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पंडित सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रेणाम देशो शरीरवर्चस्व आयुष्मारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयत धनं धान्यं पशु बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से सम्मानित करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक करें। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, सम्मिल कर बोलना ताली बजाते हुए। ओम जय अंगे गौरी मैया जय श्यामा गौरी Oh,
ब्रह्मा शिव ओम जय अम्बे गौरी सच्चा जतन
माता तेरी सदा ही जय सर्थ मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सर्व सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय तो परम पूज्य पुजारी जी मां विभूत की पूजा करके आपके सामने इस गुहाद्वार पर आ गए हैं इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा उसके उपरांत मां विभूति की आरती उतारी जाएगी आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और मां विभूति से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना बोलो सच्चे दरबार की जय प्रेम से बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी जय माता दी बोलो जय माता दी 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 ओ जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी ओ जय माता दी जय माता दी जय माता दी ओ जय माता दी 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 सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मान से प्रार्थना करेंगे सब मिलकर के बोलना देही सौभाग्य आरोग्य देही सौभाग्य आरोग्य देही में परमं सुखं देही में परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जहि यशो देहि दुशो जहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः पर बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती के नाम स्मरण करें आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें जय माता दी प्रथमे गुरु जी को वंदना द्वितीय आज गजे तृतीय आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण चौसक गरी यो चरणा का ध्यान जय मां
खड़गम जप्तर देशो जाप परिघान शूलं वशुन्यं शिरायंगम संदर दिंदरे सिनैनम सर्वांग भूषाभिधान मेलाश्वादुरिभावजवाद दशकम सेवे महाकालिकम यामतो तुहरिते हरो कमलजो हंतों मधुम के गमन जयकारा माँ शेरावाली दा बोलो सांसे दरबार की जय। आप सभी भक्तों को माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। Thank you.
ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਪਾਣੀ ਜਨ ਮੰਤਰ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈਪੀ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ 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 ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ